रीवा जिला प्रशासन और टीआरएस कॉलेज ने मिलकर रीवा में एक बार फिर जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। रीवा के टीआरएस कॉलेज में एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस बार मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां भी रोजगार मेले में शामिल थी। हमने जिम्मेदारों से बात की, उनका कहना था हम जिला स्तर पर तो रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में हम दूर दराज के इलाके में ब्लॉक स्तर में भी रोजगार मेले का आयोजन करेंगे, जिससे रीवा जिले की तमाम उन युवाओं को रोजगार मिल सके जिन्हें रोजगार की जरूरत है। मैं मौजूद हूँ रीवा के टीआरएस कॉलेज में। यहाँ आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। तमाम जिम्मेदार लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अनिल दुबे जी से बात करूंगा, जो इस पूरे रोजगार मेले के कर्ता धर्ता। सर, टीआरएस कॉलेज में आपने आज रोजगार मेला लगाया है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए और क्या हालात है अभी तक? आज मुख्यतः इस रोजगार मेले का आयोजन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय रीवा वर्क टुगेदर टीआरएस कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हमारी जो स्ट्रेटजी रही है, हमने करीब एक गूगल फॉर्म डेवलप किया था जो बच्चों के लिए कि ऑनलाइन घर में बैठ के भरना चाहें तो उसके माध्यम से जो हमारे जनसंपर्क और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। और इसमें हमने करीब 4 काउंटर बनाया था जो रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग ग्रेड, जैसे टेक्निकल का अलग, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स और 8वीं 12वीं के लिए, इसी तरह हमने 4 काउंटर उनके काउंसलिंग के लिए बनाया गया। लगभग करीब अभी तक जो है 550 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस रोजगार मेले में मुख्य रूप से अपनी मारुति सुजुकी लिमिटेड गुड़गांव, रजाकी इंडिया, वर्क टुगेदर, प्रगतिशील एग्रोटेक, प्रगतिशील बायोटेक, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा और इसी तरह से कुल लगभग 13 कंपनी जो है भाग ले रही है। तो मारुति सुजुकी का आपने नाम लिया, इसका सीधा सा अर्थ है मल्टीनेशनल कंपनियों की दस्तक भी रीवा तक हो चुकी है। जी, आपको किस तरीके से लगता है कि बड़ी कंपनियों में जाने के लिए क्या हमारे यहाँ के लड़के प्रिपेयर हैं, और अगर प्रिपेयर नहीं तो किस तरीके से उनकी तैयारी होनी चाहिए? अभी प्राय देखा जाता है जो बड़ी कंपनियां बाहर के, जैसे दिल्ली या गुड़गांव बेस्ड या साउथ की, तो बच्चे प्रेफर करते हैं, जाते हैं उसमें। और कुछ खास तौर से जो एक चीज और चीज समझ में आ रही है कि उसके पहले हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रोजगार मेले से पहले एक बार बच्चों को काउंसलिंग कर दी जाए, उनको पूरा डिटेल उनको समझा दिया जाए, तो इससे हमारी प्रोग्रेस और टर्नअप रिटेंशन रेट हमारा बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनियों की दस्तक रीवा में। अनिल दुबे जी साफ तौर पर कहता है अब हम निकट भविष्य में अपने बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, जब वो बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाए तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हमारे साथ वर्क टुगेदर के पवन भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जिस तरीके से रोजगार मेला लगातार हो रहा है, क्या रिस्पांस है, आपको क्या लगता? हम लगातार रीवा से, चूंकि हमारी संस्था रीवा पे बेस्ड है, तो लगातार हम लोकल लेवल पे भी काफी सारी वैकेंसी जनरेट करते हैं। अभी L&T है, वेल्सपन इंडिया है, ये सब कंपनियां जो है काफी मात्रा में बच्चों की हायरिंग करती हैं। अभी 2 बच्चे यहाँ रीवा से गए हैं और आज भी अगर कुछ बंदों को सिलेक्शन होता है तो इसमें 50 बच्चे करीब होते हैं तो उसकी बस भी लेने आएगी रीवा। तो सबसे अच्छी चीज है कि बच्चे भी प्रिपेयर हैं, कंपनियां भी प्रिपेयर हैं, ये एक रीवा के लिए अच्छे संकेत है, रीवा के लिए अच्छे संकेत है। मेरा अंतिम सवाल, जिस तरीके से लगातार आप लोग टीआरएस कॉलेज, जो प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक है, यहाँ पर रोजगार मेला करते हैं, जिला स्तर से तमाम बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बच्चे नहीं आ पाते, अगली बार जब वो आते हैं तो उनको मनचाहा ट्रेड नहीं होता, इस तरीके से कुछ ऐसा दिमाग में प्लान कि बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें है उनमें उनको रोजगार मिले, उनको पहले से जानकारी हो? इसके लिए हम लोगों के एक प्लान, जो बच्चे नहीं आ पाते या उनको सूचना नहीं मिल पाती है, तो हम लोगों का ये प्लान, हम लोग क्वार्टरली बेस पे माने ब्लॉक लेवल पर भी रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। जैसे सपोज कोई हनुमना का लड़का है या पिपराही का है, यहाँ आने में दिक्कत होगी तो हम लोग हनुमना या ब्लॉक में भी जाके करते हैं ताकि उनकी असेसिबिलिटी प्रॉपर हो सके। और साथ साथ हम लोग अब प्लान कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार और जो हमारे CEO जनपद हैं उनके माध्यम से हम ग्राम पंचायत लेवल पर पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से और प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागिता बना सके, अधिक से अधिक लोग अपनी सहभागिता बना सके। हम ग्रास लेवल पर भी जाकर जिम्मेदारों से बात करेंगे, उनसे
मदद लेंगे बच्चों को रोजगार दिलाने में। अब हम बात करेंगे टीआरएस कॉलेज के जिम्मेदारों से, अच्युत पांडे और संजय मिश्रा से, जो अनिल दुबे पवन जी के साथ इस रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। आज 17 मई को मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अंतर्गत ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 कंपनियां आई हैं और छात्रों को निश्चित रूप से यहां पर रोजगार प्राप्त होगा और छात्र का भविष्य उज्जवल होगा। ये योजना प्रधानमंत्री जी की रोजगार प्रदान करने की योजना के तहत लागू किया गया है, जिसके तहत अधिकांश छात्रों को जो यहाँ उपस्थित होते हैं उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज दिनांक 17 मई 2023 को शासकीय ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय रीवा में जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय एवं वर्क टुगेदर के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर से अवगत कराना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस रोजगार मेले में देश प्रदेश की 15 विभिन्न सेक्टर से कंपनियों को आमंत्रित किया गया है, जो कि ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इंश्योरेंस आदि से संबंधित है। और इसमें जो इनके आवेदकों की आयु रखी गई है 18 से 20 और 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। जो इनका वेतनमान है 10,000 रुपये से लेके 20,000 के बीच होगा और एक काफ़ी अच्छा अवसर हमारे महाविद्यालय विद्यार्थियों को मिलने जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लाभान्वित हो गए, आत्मनिर्भर की कगार में अपने को सिद्ध कर पाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने जिम्मेदार क्या कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अनिल दुबे जी ने कही, उनका साफ तौर से कहना था अब हम दूर दराज के लोगों को वहीं पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे उन बच्चों को जो रीवा से काफी दूर रहते हैं, यहां तक नहीं आ पाते, वहीं पर कुछ ऐसा किया जाए कि उनको रोजगार के बारे में जानकारी मिले, कंपनियों की जानकारी मिले, जिससे वो अपने लेवल की कंपनी ढूंढ सके और रोजगार को प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।